डिजिटल हेवन में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे भारतीय वायुसेना किन किन विमानों का उपयोग करते हैं और उसके बारे में भी जानेंगे। शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को और लोगों तक शेयर करें। सुखोई Su-30MKI रूस के सुखोई एविएशन कॉरपोरेशन द्वारा डिजाइन और निर्मित एक मल्टी रोल लड़ाकू विमान है। यह Su-30 विमान का एक प्रकार है और इसे विशेष रूप से भारतीय वायुसेना IAF के लिए अनुकूलित किया गया है। Su-30MKI एक ट्विन सीटर मल्टी रोल एयरक्राफ्ट है जो हवाई श्रेष्ठता, जमीनी हमले और टोही सहित कई तरह के मिशनों को अंजाम देने में सक्षम है। यह एक शक्तिशाली रडार, विभिन्न प्रकार की मिसाइलों, बमों और रॉकेटों और 130 मिमी की तोप सहित कई उन्नत एवियोनिक्स और हथियार प्रणालियों से लैस है। Su-30MKI की अनूठी विशेषताओं में से एक इसकी उच्च स्तर की स्वायत्तता के साथ संचालित करने की क्षमता है। इसके उन्नत एवियोनिक्स और ऑनबोर्ड कंप्यूटरों के लिए धन्यवाद। यह विमान को उच्च स्तर की सटीकता और दक्षता के साथ जटिल मिशन करने की अनुमति देता है। कुल मिलाकर सुखोई Su-30MKI एक अत्यधिक सक्षम लड़ाकू विमान है जो कई तरह के अभियानों में भारतीय वायुसेना के लिए एक प्रभावी उपकरण साबित हुआ है। इसकी उन्नत वैमानिकी और हथियार प्रणालियां इसे हवा से हवा में होने वाली लड़ाई में एक दुर्जेय प्रतिद्वंद्वी बनाती हैं, जबकि जमीनी हमले और टोही मिशनों को अंजाम देने की इसकी क्षमता इसे किसी भी वायुसेना के लिए एक बहुमुखी और मूल्यवान संपत्ति बनाती है। मिकोयान मिग एक जुड़वा इंजन चौथी पीढ़ी का लड़ाकू जेट है जिसे 1970 और 1980 के दशक के दौरान सोवियत संघ में मिकोयान डिजाइन ब्यूरो द्वारा डिजाइन और विकसित किया गया था। इसे US एफ ईगल और एफ फाइटिंग फाल्कन की प्रतिक्रिया के रूप में विकसित किया गया था और इसका उद्देश्य हवाई श्रेष्ठता और जमीनी हमले की क्षमता प्रदान करना था। मिग की अधिकतम गति 2.25 मैक लगभग 1500 मील प्रति घंटा और यह 6000 फीट की ऊंचाई तक उड़ सकता है। यह 30 मिमी की तोप से लैस है और हवा से हवा और हवा से जमीन पर मार करने वाली कई तरह की मिसाइल, बम और रॉकेट ले जा सकती है। यह रडार, इलेक्ट्रॉनिक प्रत्युपाय और एक हेलमेट माउंटेड दृष्टि प्रणाली सहित उन्नत एवियोनिक्स से भी सुसज्जित है। MiG-29 का व्यापक रूप से निर्यात किया गया है और रूस, भारत और पूर्वी यूरोप और एशिया के कई देशों सहित दुनिया भर में कई वायुसेना के साथ सेवा में है। इसने खाड़ी युद्ध, कोसोवो युद्ध और सीरियाई गृह युद्ध सहित कई संघर्षों में कार्रवाई देखी है। कुल मिलाकर मिग बेहद सक्षम फाइटर जेट है जो हवा से हवा और हवा से जमीन पर मार करने में कारगर साबित हुआ है। इसकी गति, गतिशीलता और हथियार प्रणालियां इसे एक दुर्जेय प्रतिद्वंद्वी बनाती हैं और यह दुनिया भर में वायुसेना के लिए एक मूल्यवान संपत्ति बनी हुई है। मिराज 2000 एक मल्टी रोल लड़ाकू विमान है जिसे फ्रांसीसी एयरोस्पेस कंपनी डसॉल्ट एविएशन द्वारा डिजाइन और निर्मित किया गया है। इसे 1970 के दशक में मिराज 3 के प्रतिस्थापन के रूप में विकसित किया गया था और 1984 में फ्रांसीसी वायुसेना के साथ सेवा में प्रवेश किया। मिराज 2000 की अधिकतम गति 2.2 मैक लगभग 1450 मील प्रति घंटा और यह 59000 फीट की ऊंचाई तक उड़ सकता है। यह 230 मिमी की तोप से लैस है और हवा से हवा और हवा से जमीन पर मार करने वाली कई तरह की मिसाइल, बम और रॉकेट ले जा सकती है। यह रडार, इलेक्ट्रॉनिक काउंटरमेशर्स और हेडअप डिस्प्ले सहित उन्नत एवियोनिक्स से भी लैस है। मिराज 2000 का व्यापक रूप से निर्यात किया गया है और यह भारत, मिस्र, ग्रीस और संयुक्त अरब अमीरात सहित दुनिया भर की कई वायुसेनाओं के साथ सेवा में है। इसने खाड़ी युद्ध, कोसोवो युद्ध और लीबिया के गृह युद्ध सहित कई संघर्षों में कार्रवाई देखी है। कुल मिलाकर मिराज 2000 एक अत्यधिक सक्षम लड़ाकू विमान है जो वायु रक्षा, जमीनी हमले और टोही सहित विभिन्न भूमिकाओं में प्रभावी साबित हुआ है।
इसकी गति, गतिशीलता और हथियार प्रणालियां इसे एक दुर्जेय प्रतिद्वंद्वी बनाती हैं, और यह दुनिया भर में वायुसेना के लिए एक मूल्यवान संपत्ति बनी हुई है। मिकोयान मिग जमीन पर हमला करने वाला विमान है, जिसे सोवियत संघ के मिकोयान गुरेविच डिजाइन ब्यूरो द्वारा डिजाइन और निर्मित किया गया है। इसे मिग लड़ाकू विमान के एक प्रकार के रूप में विकसित किया गया था और 1975 में सेवा में प्रवेश किया। मिग की अधिकतम गति 1.7 मैक लगभग 1130 मील प्रति घंटा और यह 42650 फीट की ऊंचाई तक उड़ सकता है। यह 30 मिमी की तोप से लैस है और कई तरह की हवा से जमीन पर मार करने वाली मिसाइल, बम और रॉकेट ले जा सकती है। यह रडार और इलेक्ट्रॉनिक काउंटरमेशर सहित उन्नत एवियोनिक्स से भी लैस है। मिग-27 का व्यापक रूप से निर्यात किया गया है और यह भारत और कई पूर्व सोवियत गणराज्यों सहित दुनिया भर की कई वायुसेनाओं के साथ सेवा में है। इसने सोवियत अफगान युद्ध और खाड़ी युद्ध सहित कई संघर्षों में कार्रवाई देखी है। कुल मिलाकर मिग-27 एक अत्यधिक सक्षम जमीन पर हमला करने वाला विमान है, जो कई तरह के मिशनों में प्रभावी साबित हुआ है, जिसमें नजदीकी हवाई सहायता, अंतर्विरोध और युद्ध क्षेत्र तो ही शामिल हैं। इसकी गति, गतिशीलता और हथियार प्रणालियां इसे दुनिया भर की वायुसेना के लिए एक मूल्यवान संपत्ति बनाती हैं। हालांकि, इसकी उम्र और रखरखाव की बढ़ती लागत के कारण कई वायुसेना ने नए विमानों के पक्ष में मिग को सेवानिवृत्त कर दिया है। जगुआर SIPECAT जगुआर एक जुड़वां इंजन जमीन पर हमला करने वाला विमान है, जिसे फ्रांस के ब्रेगुएट और ब्रिटेन के ब्रिटिश एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन BAC के बीच एक संयुक्त उद्यम द्वारा डिजाइन और निर्मित किया गया है। इसे 1960 के दशक में विकसित किया गया था और 1970 के दशक की शुरुआत में फ्रांसीसी और ब्रिटिश वायुसेना के साथ सेवा में प्रवेश किया। जगुआर की अधिकतम गति 1.3 मच लगभग 870 मील प्रति घंटा और यह 45000 फीट की ऊंचाई तक उड़ सकता है। यह 230 मिमी की तोप से लैस है और हवा से जमीन पर मार करने वाली कई तरह की मिसाइल, बम और रॉकेट ले जा सकती है। यह रडार और इलेक्ट्रॉनिक काउंटरमेशर सहित उन्नत एवियोनिक्स से भी लैस है। जगुआर का व्यापक रूप से निर्यात किया गया है और यह भारत, ओमान और इक्वाडोर सहित दुनिया भर में कई वायुसेना के साथ सेवा में है। इसने खाड़ी युद्ध, कोसोवो युद्ध और इराक युद्ध सहित कई संघर्षों में कार्रवाई देखी है। कुल मिलाकर जगुआर एक अत्यधिक सक्षम ग्राउंड अटैक एयरक्राफ्ट है, जो कई प्रकार के मिशनों में प्रभावी साबित हुआ है, जिसमें नजदीकी हवाई सहायता, अंतर्विरोध और तो ही शामिल हैं। इसकी गति, गतिशीलता और हथियार प्रणालियां इसे दुनिया भर में वायुसेना के लिए एक मूल्यवान संपत्ति बनाती हैं और इसकी उम्र के बावजूद कई देशों में इसका उपयोग जारी है। हालांकि, कई वायुसेना ने जगुआर को नए, अधिक उन्नत विमानों के पक्ष में सेवानिवृत्त कर दिया है। मिग सोवियत संघ में मिकोयान गुरेविच डिजाइन ब्यूरो द्वारा डिजाइन किया गया एक सुप्रसोनिक जेट लड़ाकू विमान है। इसने पहली बार 1956 में उड़ान भरी थी और 1959 में सेवा में लाया गया था, जो 11,000 से अधिक विमानों के निर्माण के साथ इतिहास में सबसे व्यापक रूप से निर्मित जेट लड़ाकू विमानों में से एक बन गया। सोवियत संघ, चीन, भारत, वियतनाम और कई अन्य सहित पूरे शीत युद्ध और उसके बाद के कई देशों द्वारा मिग-21 का उपयोग किया गया था। इसने वियतनाम युद्ध, अरब इजराइल संघर्ष और भारत पाकिस्तान युद्ध सहित कई संघर्षों में कार्रवाई देखी। इसकी लोकप्रियता और लंबी सेवा जीवन के बावजूद मिग-21 की सीमित सीमा और हथियारों के पेलोड के साथ साथ इसकी उच्च दुर्घटना दर के लिए आलोचना की गई है। हालांकि, यह एक प्रतिष्ठित विमान बना हुआ है और इसकी पहली उड़ान के 60 से अधिक वर्षों के बाद आज भी कुछ देशों द्वारा इसका उपयोग किया जा रहा है। राफेल एक फ्रेंच ट्विन इंजन मल्टीरोल लड़ाकू विमान है, जिसे डसॉल्ट एविएशन द्वारा डिजाइन और निर्मित किया गया है।
यह पहली बार 2001 में पेश किया गया था और तब से इसका उपयोग फ्रांसीसी वायुसेना और नौसेना के साथ साथ कई अन्य देशों द्वारा किया जाता है। राफेल की अधिकतम गति 1.8 मैक है, मिशन के आधार पर 1850 किमी 1150 मील तक का मुकाबला त्रिज्या है और मिसाइलों, बमों और बंदूकों सहित विभिन्न हथियारों को ले जा सकता है। यह उन्नत एवियोनिक्स और सेंसर से लैस है, जिसमें एक सक्रिय इलेक्ट्रॉनिक स्कैन सरणी रडार भी शामिल है, जो इसे अत्यधिक सक्षम लड़ाकू विमान बनाता है। राफेल ने लीबिया, माली और सीरिया सहित कई संघर्षों में युद्ध देखा है। इन संघर्षों में इसके प्रदर्शन के लिए इसकी प्रशंसा की गई है, जिसमें एक साथ एयर टू एयर और एयर टू ग्राउंड मिशन संचालित करने की क्षमता भी शामिल है। अपनी सैन्य क्षमताओं के अलावा राफेल का उपयोग नागरिक उद्देश्यों के लिए भी किया जाता है, जिसमें हवाई टोही, समुद्री गश्त और परमाणु प्रतिरोध शामिल हैं। इसे दुनिया के सबसे उन्नत लड़ाकू विमानों में से एक माना जाता है और कई देशों द्वारा अपनी वायुसेना को अपग्रेड करने की मांग में इसकी उच्च मांग है।